नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी के बीमार सरकारी अस्पतालों की बदहाली का खामियाजा बलिया जनपद की 4 साल की जानवी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बलिया के रेवती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ड्यूटी के दौरान गायब सरकारी डॉक्टरों की वजह से हुई मौत के कारण स्थानीय लोगों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं सीएमओ बलिया ने दोषी डॉक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। योगी राज में भी सरकारी अस्पतालों की बदहाली आम जनता की जिंदगी के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रही है, ये बलिया जनपद में देखने को मिला। 4 साल की बीमार जानवी के पिता जब उसे रेवती के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए लेकर पहुंचे तो वहां कोई भी चिकित्सक मौजूद नहीं था, लिहाजा इलाज के अभाव में जानवी की मौत हो गई। क्या नाम है आपको? राम लखन चौहान। क्या हुआ है? लड़की की हमारा जो है तबीयत खराब हो गई, हम लेकर आए 7 बजे, यहाँ कोई भी नहीं था, डॉक्टर नहीं, कोई साधन था कि हम लेकर अपने बच्ची को बलिया गए। क्या हुआ था आपकी बच्ची? मेरी बच्ची बीमार थी, हम क्या करें, अब कोई साधन नहीं था तो हम पैदल कहाँ से लेकर, हम हमारे बच्ची छोड़। बच्ची को क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बुखार था। क्या हुआ अभी बच्ची को? बच्ची मर गई। कैसे? यहाँ कितने बजे लेकर आए? यहाँ किससे मुलाकात हुई और क्या हुआ? डॉक्टर कोई नहीं था, किसी से मुलाकात नहीं था। अच्छा, 7 बजे से लेकर अभी देखिए, हाँ अभी तक कोई पता नहीं है डॉक्टर। तो आपके सामने आपकी बच्ची की मौत हो गई, तब अभी भी कोई डॉक्टर नहीं आया? कोई नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवती में सरकारी बेड पर जहाँ जानवी की लाश रखी हुई थी उसके पीछे लिखा था जरूरत में आपके साथ, पर सरकारी स्लोगन झूठा साबित हुआ और मासूम जानवी ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। जानवी की मौत की खबर जैसे ही इलाके के लोगों तक पहुंची, गुस्साए लोगों ने सरकारी अस्पताल के मेन गेट पर धरना देना शुरू कर दिया और दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। शंकर पांडे, अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर पंचायत रेवती। 7 बजे पेशेंट हॉस्पिटल पे आया, छोटी बच्ची थी। 7 बजे से लेकर अभी तक हम लोग धरने पे बैठे हुए, तब तक हॉस्पिटल में न कोई डॉक्टर है, न कोई फार्मासिस्ट है और न ही कोई नर्स है। और आए दिन ये हम लोगों को सूचना मिलती रहती है, इसकी शिकायत हमने सीएमओ साहब से भी की थी 20 दिन पहले भी, कि यहाँ के डॉक्टर अगर कोई रहता भी है तो पेशेंट के साथ बदतमीजी से बात करना, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, और कोई इलाज नाम का कोई चीज़ यहाँ नहीं है। बस डॉक्टर की लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही, कोई इलाज का अभाव, हाँ इलाज के अभाव में मरी है बच्ची। कुछ भी नहीं था, केवल उसको तेज बुखार था, बाकी कुछ नहीं था उसको। तो आपको दिख रहा है कि जो बलिया के जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं वो आ रहे हैं, जिले के जो आला अधिकारी हैं उत्सव में लगे हुए हैं कि आज योगी सरकार के साल भर पूरे हो रहे हैं, उसको उत्सव में लगे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? मंत्री विधायक उत्सव मनाए, हम तो यही देख रहे हैं कि यहाँ जनता परेशान है, रेवती की जनता को इलाज के बिना मर रही है, जिसको जो कराना है कराए, उत्सव मनाए लोग, कुछ भी करे, रेवती की जनता इलाज के लिए मर रही है। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवती पर 2 डॉक्टरों की तैनाती है, पर ये डॉक्टर बिना बताए ही अस्पताल से गायब हो गए। जानवी इलाज के लिए जब पहुंची उस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवती के अधीक्षक डॉक्टर शशि प्रकाश को वहां मौजूद रहना चाहिए था, पर डॉक्टर साहब बलिया शहर के अपने मकान में संडे एंजॉय कर रहे थे। इस घटना के बाबत जब उनसे बात की गई तो डॉक्टर साहब ने बेतुका बयान देते हुए कहा कि जानवी को मरा हुआ लाया गया था। ऐसे में जब सवाल किया गया कि जब आप ड्यूटी पर थे ही नहीं तो आपको कैसे पता चला, तो डॉक्टर साहब की बोलती बंद हो गई। वहीं इस पूरे मामले पर बलिया के सीएमओ ने ड्यूटी के दौरान बिना बताए गायब होने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। आज की जो परिस्थिति है, जैसा कि बताया लोगों ने कि वहां पे दोनों चिकित्सकों में से जिनको एक को अटैच किया गया था, एक वहां था ऑलरेडी पोस्टेड है, दोनों में से कोई चिकित्सक नहीं था। और ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो ये उनकी अनुशासनहीनता है, जिस पर की कार्यवाही मैंने कर दिया है, जो मेरे स्तर से है उसको तुरंत किया है,
उनकी इस अनियमितता और इस अनुशासनहीन व्यवहार के लिए मैंने उच्च अधिकारियों को ईमेल कर दिया है। शीघ्र ही उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे और किसी भी तरह की सूचना बिना हेडक्वार्टर पर बिना मुझे दिए बिना अपने डिप्टी सीएमओ को दिए वो अपना हेडक्वार्टर छोड़े हैं, यह एक बहुत ही घृणित और निंदनीय कार्य है। इसके लिए उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिले के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा सरकार के एक साल पूरा होने का जश्न मनाने आए थे। उनसे जब इस संदर्भ में पूछा गया तो वो पिछली सरकार का रोना रोते दिखे।